तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आईपीएल 2023 के पांच ऐसे काबिल खिलाड़ियों के बारे में जिनको इस सीजन खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जानते हैं दोस्तों कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई है, पर उनको अपनी टीम के लिए मैच खेलने का बहुत ही कम या फिर खेलने का ही मौका नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी है। आईपीएल 2023 का समापन हो चुका है दोस्तों और चेन्नई सुपर किंग्स के रूप में हमें एक नया चैंपियन भी मिल गया है। यह चेन्नई के लिए आईपीएल की यह ट्रॉफी चेन्नई ने पांचवी बार जीती है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन सीजन का अंत हुआ। और अंततः आईपीएल में तो ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी आते ही रहते हैं दोस्तों जिन्होंने हमेशा ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, पर दुर्भाग्य से उनको इस सीजन बहुत ही कम मौके मिले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया गया और पूरे आईपीएल 2023 सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका भी नहीं मिला। टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे दोस्तों जो सीजन के दौरान खेल पाने के पूरी तरह से हकदार थे, लेकिन उन्हें अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। यहाँ पांच खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने आईपीएल 2023 की संपूर्णता के दौरान एक भी मैच नहीं खेला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर पांच में है आर साई किशोर। गुजरात टाइटंस ने अपने स्पिन आक्रमण को मजबूत करने के लिए राशिद खान और नूर अहमद पर भरोसा किया और बदले में दोनों खिलाड़ी ने टीम को शानदार मैच जिताने वाले स्पेल भी दिए। अफगानिस्तान के दोनों ही स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन ने बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर को प्लेइंग 11 में एंट्री से रोक दिया। 2022 के आईपीएल संस्करण में किशोर ने जीती के लिए पांच मैच खेले और 7.56 की बेहतरीन इकोनॉमी से 6 विकेट भी हासिल किए थे। हालांकि इस साल राशिद और नूर के प्रदर्शन के कारण उन्हें गुजरात टाइटंस के लिए कोई भी मैच खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। 26 वर्षीय भारत के घरेलू क्रिकेट में एक जाना माना नाम है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से तमिलनाडु के लिए बहुत सारे खेल जीते हैं। अपने घरेलू टी20 करियर में अब तक साई किशोर ने तमिलनाडु के लिए 49 मैच खेले हैं और 5.48 की बेहतरीन इकोनॉमी से 57 विकेट भी हासिल किए हैं। 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह तमिलनाडु के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे जिसमें उन्होंने 6 मैचों में 4.13 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 8 विकेट हासिल किए थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पे हैं शिवम मावी। कोच्ची में आयोजित 2023 की आईपीएल नीलामी में गुजरात टाइटंस ने शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रतियोगिता में मावी ने किसी भी मैच में भाग नहीं लिया क्योंकि जीपी प्रबंधन ने गति आक्रमण को मजबूत करने के लिए मोहित शर्मा पर ज्यादा भरोसा दिखाया। अपने अनुभव और कौशल के उपयोग करते हुए मोहित ने अपने असाधारण गेंदबाजी के प्रदर्शन से गुजरात के लिए बहुत सारे मैच भी जीता पारी खेली। हालांकि यश दयाल, अर्जारी जोसफ और जोशुआ लिटिल की तुलना में मावी एक बेहतर विकल्प हो सकते थे जो 16वें संस्करण में किफायती गेंदबाज करने और टाइटंस के कई विकेट लेने वाली स्पेल भी प्रदान करने में सफल रहे थे। पिछले घरेलू सत्र में मावी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे। स्पीड स्टार ने उत्तर प्रदेश को 7 मैचों में 6.64 की इकोनॉमी से 10 विकेट भी दिलाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में अपने सनसनीखेज फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 24 वर्षीय गेंदबाज ने 7 मैचों में 4.15 की बेहतरीन इकोनॉमी से 14 विकेट भी हासिल किए थे। इन नंबरों से पता चलता है दोस्तों कि अगर यह सीजन को खेलते तो जीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रभाव छोड़ सकते थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पे है लुंगी एनगिडी। दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2023 में निराशाजनक अभियान था क्योंकि वे 14 मैच में केवल 5 ही मैच जीत पाए, प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहे थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वे खेल के सभी विभागों में बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए जिसके कारण उन्हें इतना भयानक अभियान समाप्त करना पड़ा। गेंदबाजी विभाग में उन्होंने तेज गेंदबाज आक्रमण को नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया पे ज्यादा भरोसा दिखाया। तेज गेंदबाज ने डीसी के लिए 10 मैच खेले जिसमें उन्होंने 9.10 की औसत से 10 विकेट हासिल किए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ टूर्नामेंट में 50वें मैच के बाद नॉर्किया ने निजी कारणों के कारण टूर्नामेंट को छोड़ दिया। अपने आगे के मैचों के लिए नॉर्किया के हमवतन लुंगी एनगिडी पर विश्वास दिखा सकते थे, पर डीसी ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एनगिडी अपनी विविधताओं के कारण बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। 27 वर्षीय ने अब तक कुल 37 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 8.99 की इकनामी से 60 विकेट हासिल किए हैं। हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पे है डेवाल ब्रेविस। डेवाल ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मंडल में अपनी असाधारण बल्लेबाजी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वे 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए 7 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 7 मैचों में 142.48 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 161 रन बना डाले थे। इस साल फिर से एमआई ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि युवा खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा से मुंबई की मदद कर सकते थे। अंतिम एकादश में ब्रेविस को शामिल करने के बजाय एमआई ने क्रम के शिखर पर
बल्लेबाजी करने के लिए कैमरून ग्रीन में विश्वास दिखाया। सौभाग्य से एमआई के फैसले के सकारात्मक परिणाम आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कुछ शानदार पारियां खेलकर एमआई को गेम में जीत हासिल करने में मदद की। हालांकि एमआई के लिए ग्रीन के अच्छे आने से फ्रेंचाइजी को मदद मिली, इससे ब्रेविस को पूरे सीजन बेंच में ही बैठकर गुजारना पड़ा। और हमारे इस लिस्ट के नंबर वन पे हैं मैथ्यू वेड। किसी भी टी20 क्रिकेट प्रशंसक के लिए मैथ्यू वेड एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई ताबड़तोड़ पारियां खेली है। टी20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में शाहीन अफरीदी के खिलाफ पाकिस्तान से जीत छीनने के लिए उनके 3 छक्के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए कभी भुलाया नहीं भूल सकते। 2023 के IPL में वेड पूरे टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस के शिविर में बने रहे थे, लेकिन किसी भी खेल में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि GT ने शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह को उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने प्रतियोगिता में अपनी बल्लेबाजी से टीम को काफी अच्छा परिणाम दिया, जिसकी वजह से GT के प्लेइंग 11 में वेड की जगह नहीं बन पाई। इसके पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ने GT के लिए 10 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 10 मैचों में 113.77 की निराशाजनक स्ट्राइक रेट से केवल 157 रन बनाए थे। हालांकि कुछ महीने बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारत का दौरा किया और राष्ट्रीय रंग में अनुभवी ने पहले ही मैच में 21 गेंद पर नाबाद 45 रन और 20 गेंदों पर 43 रन की तूफानी पारी खेली थी। तो ये थे 5 ऐसी काबिल खिलाड़ी दोस्तों, जिनको 2023 में शायद प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए था, पर उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन खिलाड़ियों को बाहर रखकर उनकी टीम ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे दोस्तों। तो इसी के साथ आज की सूचना समाप्त करते हैं दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।